Happy birthday to you, happy birthday to you. तो भाई सेलिब्रेशन हो गया, उम्र के लिए सेलिब्रेशन करना था, हो गया, गिफ्ट भी दे दी. गिफ्ट कैसा लगा? हम चुशुमले तक बिल्कुल सही आ रहे थे. हाँ, चुशुमले तक बिल्कुल सही आ रहे थे. पता नहीं कोई कट मिस हुआ, बीच में ना हमने कुछ मिस कर दिया. देखो हम कहाँ आ गए. तो भाई हम लोग पहुंच गए फोटीला पास. तो भाई यहाँ पे स्नो नहीं पड़ रही, ओले पड़ रहे थे. तो भाई पहुंच गए हम लोग उमलिंगला पास. और ये रेवनी टाटा पंच भाई, इसको एक थम तो बनता है. गुड गुड, फाइनली शी प्रूव्ड इट. और अभी वहां पर भाई व्लॉग कर रहे हैं और फोटो वोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि तो बाइक्स पे आई है भाई. सही है यहाँ पे 19,000. देखो 19,024 फीट हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड. तो भाई ये है वो लेजेंडरी बोर्ड, आप कह सकते हो माइलस्टोन, जहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए लोग इतना दूर आते हैं. 19,024 फीट. और हवा बहुत तेज चल रही है, मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी शेकी हो रही हो, बट दैट्स हाउ इट इज. स्टार्ट कर दिया. तो गाइस, हम लोगों ने ये ट्रिप जो बनाया था ना, इस ट्रिप को प्लान ऐसे किया था कि मनमीत का बर्थडे है 16th को, तो हमने सोचा था कि हम वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे. तो हम लोग लेके आए हैं केक, पिंकीज का स्विस रोल, यही मिला, बड़ा वाला नहीं मिल पाता. तो हम इसको काटेंगे, जल्दी से काटते हैं. जल्दी करना होगा. ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनमीत, हैप्पी बर्थडे टू यू. बर्थडे सेलिब्रेशन ऑन हाईएस्ट पॉइंट. That was like. Chala. ये था हमारा प्लान इस ट्रिप का, जो कंप्लीट हो गया है. भाई उमलिंगला हम लोग पहुंच गए हैं, अब केक एंजॉय करते हैं. आप खिलाओ केक पहले, तब कंप्लीट होगा. केक खिलाते हैं, फिर खाते हैं, थोड़ा खाना वाना खाएंगे, फिर निकलेंगे वापस. ओके. तो भाई सेलिब्रेशन हो गया, उम्र के लिए सेलिब्रेशन करना था, हो गया, गिफ्ट भी दे दी. गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अमेजिंग. अभी जल्दी जल्दी फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि फोटो से फ्री हो जाएंगे ना, उसके बाद आराम से बातें करेंगे. इसको रखते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि भीड़ आ रही है. अभी मुझे गाड़ी के साथ फोटो खिंचवानी है, तो खिंचवाते हैं. देखो भीड़ आ गई यहाँ पे, अभी खाली पड़ा था. तो इन लोगों के बाद अपना नंबर है. A few moments later. तो भाई फोटोज हो गई हैं, सारी फोटो खिंचवा ली, अपनी फोटो खींच ली, गाड़ी की फोटो खींच ली, और जिस चीज के लिए हम आए थे, जो सेलिब्रेशन करने आए थे, हमने कर लिया. उमलिंगला पे बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोगों ने कर लिया. Best birthday. और भाई मजा आ गया. बाकी अब गिफ्ट दिखाओ कैसा लगा तुम्हें. लो मैं पकड़ू फोन. ये गिफ्ट कैसा लगा? बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है. अच्छा ना, अच्छे लगे? बहुत क्यूट है. प्लान सक्सेसफुल, मेहनत सक्सेसफुल हो गई, तो चलो अच्छी बात है. अब चलो ये सब हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं और आगे नीचे उतरेंगे. सॉरी भाई, एक्साइटमेंट में एक चीज भूल गया. देखो 16,010 दिखा रहा है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 1610 दिखा रहा है, और हमने स्टार्ट किया था 1535 पे. तो कितना हो गया? 75 किलोमीटर. तो अगर आप
नूरपुरा टॉप से आते हो ना तो 75 किलोमीटर पड़ेगा। अभी हम प्लान कर रहे हैं फोटिला टॉप का, तो 6 1 6 1 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि फोटिला टॉप से कितना पड़ेगा हानले। तो चलो चलते हैं, अब हमें सीधा उतरना है। और ये देखो केक लपेटा जा रहा है, कैसा है? केक बहुत टेस्टी है, केक बहुत टेस्टी था। चलो अब चलते हैं, जल्दी जल्दी उतरते हैं भाई। टाइम 12 बज गया यार, 8:30 बजे निकले, 3:30 घंटे लग गए। अभी हमें आज रात उपसी भी निकलना है। Let's go. तो भाई वी आर हायर देन द एवरेस्ट बेस कैंप, मतलब हम इतना ऊपर आ चुके हैं। एवरेस्ट का जो बेस कैंप है, जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई स्टार्ट होती है ना, एवरेस्ट का ट्रैक स्टार्ट होता है ना, वहाँ से भी ऊपर आ चुके हैं हम लोग। और हमारी पंच भी आ चुकी है और हम भी आ चुके हैं। अभी 6-7 किलोमीटर उमलिंगला बचा है, तो यहाँ से जल्दी निकलते हैं भाई। हवा तो बहुत ठंडी चल रही है, बाकी ये देखो नज़ारे। और गाड़ी बिल्कुल स्लोप पे खड़ी है, बड़ी मुश्किल से चल रही है। गाड़ी स्लोप पे खड़ी है, उससे पहले कि कोई आए गोली हो लेते हैं। तो भाई हम फिर से पहुंच गए चिशुमले, और देखो ऊपर कितने बादल हो गए हैं, अब यहाँ बारिश आएगी। तो ये चिशुमले ब्रिज वापस पहुंच गए हम लोग, और हम लोग आए थे क्रॉस करके लेफ्ट से। वो रास्ता ख़राब था, धूल मिट्टी थी, पानी था, सब कुछ था, वहाँ पे अच्छे रोड थे। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम फोटिला पास देखने दोबारा तो आएंगे नहीं, तो हम इसी बार चलते हैं। हाँ, 80 फोटिला टॉप है, फोटिला टॉप है। हाँ, व्हाटएवर। तो फोटिला टॉप के लिए ये वाला रास्ता सीधा सीधा निकल जाता है। ओके गाइस, प्लीज ध्यान रखना, कोयूल है 28 किलोमीटर। तो ये वाला रास्ता देखते हैं कैसा रहता है, कुछ आएगा तो आपको जरूर दिखाएंगे। बढ़िया बढ़िया, बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी, और क्या चिल्ड 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 वो हो रही है हवा। एकदम से देखना कैसा हो गया मौसम, एकदम से मौसम कैसा हो गया यार। मुझे तो आगे लग रहा है कि बारिश पक्का हो रही होगी, मस्त वाली। 8:40 बजा है, ये लोग फोटो खिंचवाते हुए। भाई लेफ्ट में देखने जा रहे कितना मस्त छोटी सी रिवर जा रही है। आगे फिर से बढ़िया बढ़िया नजारे। तो भाई इस रास्ते से ना हम लोग निकले थे 12:30 बजे, और अभी 1:26 हो रहा है, और हम लोगों ने 55 किलोमीटर कवर कर दिया है, मतलब 55 मिनट में 55 किलोमीटर। तो ये रास्ता क्या है ना, सारा टारमैक है, और इस रूट पे आपको ख़राब रास्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हो, ये है कोयूल विलेज। बस एक ही दिक्कत है इसमें, अभी हमें ये नहीं पता कि हानले कितना बचा है, क्योंकि कहीं पर भी माइलस्टोन जो होता है ना, वो बना नहीं हुआ है। जैसे को बादल हो रहे हैं साइड में, ये क्या लिखा है, हानले लिखा है, नहीं लिखा ना, ये लिखा है फुक्त से 3 किलोमीटर। चलो देखते हैं, बाकी इस रास्ते पे स्पीड अच्छी कवर हो रही है, तो देखते हैं हानले कब तक पहुंचता है। उसके बाद फिर थोड़ा रुक के खाएंगे पियेंगे, फिर आगे निकलेंगे उपशी की जर्नी के लिए। भाई ये साइड के बादल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे फेविकॉल से ग्लू करके चिपका दियो। अलग एक एक बादल अलग अलग दिख रहा है, और सामने ऐसे इधर काले और इधर वाइट, और ये देखो साइड में वो चल रही है, इस तरफ पहाड़ है। लैंडस्केप ही अलग है भाई, अलग ही तरीके का लैंडस्केप है। और ये हम फुक्स से पहुंच गए, ऑफ रोड आ गए भाई, ऑफ रोड आ गया। अभी पर यहाँ तो साफ था, सही जा रहे ना, लोगों ने कहा था कि ये रास्ता साफ है। चलो देखते हैं, ओ चढ़ाई जा गया भाई, चढ़ाई जा गई भाई, देखते इस पे चढ़ जाएगी एक बार, इसका तो पप्पा भी चढ़ेगा, चढ़ गए। चलो भाई वो देखो गेंडा बना हुआ, वो पूछ रही थी कि क्या बना हुआ है, गेंडा देखो लो, राइनोसरस कैसे बना के रखा है।
जुमले तो बिल्कुल सही आ रहे थे, पता नहीं कोई कट मिस हुआ कहीं बीच में ना, हमने कुछ मिस कर दिया है। देखो कहाँ आ गए, और रोड देखो यार, रोड ही नहीं अभी बन रही है, रोड अभी बन रही है, और बिल्कुल साइड वाइड पूरा पूरा खाली है, पूरा खाली है। अब अगर ऐसे जल्द जल्द चार्जर ना पहुंच जाए। ये पता क्या हुआ है, कोयल विलेज आया है ना, वहाँ से उससे पहले हमने कुछ मिस किया है। हाँ, कोयल कट मिस हुआ है। हाँ, और क्योंकि मैंने देखा था लोगों की वीडियो में कि लोग आते हैं इस तरफ से, तो अभी वापस। और हाँ, यहाँ से अभी मिलिट्री वाले सर से पूछा था, वो बोल रहे हैं कि यहाँ से लोमा निकल जाओगे आप 50 किलोमीटर, लेकिन पर पूरा रोड ऐसी है 50 किलोमीटर ऐसा रास्ता, गाड़ी की हालत खराब, ठीक है, और बाकी आप समझ ही सकते हो पत्थर वत्थर कोई लग गया, कुछ हो गया गाड़ी में तो पंगा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं 15-20 किलोमीटर वापस जाके, उसके बाद किसी से पूछते हैं कट कौन सा था, और उसके बाद फिर उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल टार मैक है। टार मैक पे आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो, यहाँ देखो 20-30 की स्पीड से चल रहा है, तो भाई पहुँच भी हम इतनी आसानी से पाएंगे। तो बस यही अपडेट था, बाकी भाई हम लोगों को डाउट नहीं हुआ, डाउट होता ना पूछ लेते हैं। चलो कोई नहीं, ये रास्ते वही चल गया, ये रास्ता निकलता है भाई लोमा के लिए, मतलब आपको अगर इधर आना हो ना तो लोमा से होते हुए भी आप हानले आ सकते हो, सॉरी उमलिंग ले आ सकते हो। तो भाई देखो, हम ना सामने से आए थे लेफ्ट वाले गट से, जहाँ पे चिशुमले लिखा है, और यहाँ से आपको यू टर्न मारना है, सामने मत हो जाना वरना हमारी तरह आप लोगों के भी एल लग जाएंगे। तो भाई इधर से आना, आगे यू टर्न ले लेना, वरना आप लोगों की काफी हमारी तरह पोपट हो जाएगा। भाई देखो, उमलिंगले लिखा है, चिशुमले लिखा है, सुशुमले से आके ये बोर्ड का याद भाई ध्यान रखना भाई, ये पीछे की तरफ ना एक ब्रिज है। हाँ, इस, अरे यार मुझे याद आ गया, मैंने देखा था किसी की वीडियो में, पीछे जो अभी हमने बोर्ड दिखाया वहां से यू टर्न लेते ही देखो फोटिला की चढ़ाई शुरू हो गई है, और ये पता नहीं दिख रहा, हमें तो पूरे रोड्स दिख रहे हैं, टर्न्स दिख रहे हैं, ये पूरा ऐसे 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 करके दिख रहा है। हाँ, जहाँ पे चढ़ रहा है अभी, देखते हैं भाई भी कितना टाइम लगेगा, 55 किलोमीटर दिखा रहा था, और ऐसे तो 55 किलोमीटर में टाइम लग जाएगा। अगर आपको आसान रास्ता चाहिए ना, तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि नूरबुला पास से आना, नूरबुला पास में ना आपको तो रेत मिलेगा, ठीक है, एक आध बेंड भी है जहाँ पे रेत है, ठीक है, उसके अलावा रोड्स बने हुए 50% रोड बने हुए नहीं है, लेकिन भाई वो फिर भी बहुत इजी है, ये रास्ता ना बहुत चढ़ाई है भाई इसमें, फोटिला पास में आपकी हालत खराब हो जाएगी चढ़ते चढ़ते, मतलब पता नहीं हम कब से चढ़े जा रहे हैं, इतनी देर से पहाड़ों पे चढ़े जा रहे हैं, सब ऐसा लग रहा है कि खत्म कब होगा। तो अगर आपको ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है ना, ज्यादा एडवेंचर नहीं करना है, ज्यादा बस सिंपल आना जाना करना है, नूरबुला पास से आना, उसके अंदर डिफिकल्टी लेवल शायद 20-30% है, लेकिन इसके अंदर शायद भाई 70-80% है। उसमें ना एक पहाड़ है जिसके 3-4 बेंड्स होंगे जहाँ पे रेत मिलेगी, और उसमें भी अगर टेक्निक से प्रॉपर तरीके से अगर टर्न लोगे तो निकाल दोगे, और उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक स्पीड मेंटेन करके चलते जाओ। इस वाले रोड इस वाले रास्ते का यही लालच देंगे सब कि बना हुआ है। हाँ। लेकिन भाई फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलती है, फर्स्ट गियर पे, सेकंड गियर पे भी नहीं चढ़ रही, इतनी ऑक्सीजन कम है और इतनी चढ़ाई है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। पता नहीं वीडियो में दिख रहा नहीं, सामने वाले पहाड़ पे आपको अगर ऐसे लाइंस से दिख रही है ना, तो वही हमको वो सारी लाइंस पे चलना है, स्नेक लाइंस जो है, अगर दिख रहा है तो। वीडियो में नहीं दिख रहा, देखो अब दिख रहा है, ये देखो सामने दिखा, ये सारी लाइंस है ना, पता नहीं कितनी, मैं तो काउंट भी नहीं कर पा रही, 3-4-5-6-7 कल वो जो कपल था वो उसमें से तो लड़की थी, वो बोल रही थी कि आपको दिखेगा ऐसे 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 लगेगा कब खत्म होगा, तो भाई ये सच है। ओए स्नो, ओ स्नोफॉल, स्नोफॉल हो गई भाई साहब, स्नो है ये,
ये हमको खार दुंगला पे जैसी मिली थी ना। आर यू सीरियस? हाँ, ऊपर तो और होगी यार, खतरनाक वाली ऊपर हो रही है स्नोफॉल। जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा भाई, स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल मेरे रास्ता पहुंचा देगा ना हमें। पहुंचा देगा, कोई टेंशन नहीं, बस चलते रहो, बाबा जी का नाम लेके आए हैं तो वापस भी जाएंगे भाई। स्नोफॉल में मिल गई। अरे भाई, इस बार लद्दाख में ठंड नहीं है, लो ठंड और कह लो, और क्या नहीं है बता दो, और क्या चाहिए भाई। लिटरली स्नोफ्लेक्स है ये। वीडियो में नहीं दिख रहे होंगे यार, रियल में दिख रहे हैं। चलो फोटो ले, टॉप से आने कुछ तो फायदा हुआ। हम बुराई यही कर रहे थे, लेकिन उस जगह अच्छा, अभी बता दो। वैसे हम उमलिंगला पे स्नो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ, लेकिन वहाँ नहीं हुई, बट वहाँ नहीं हुई, यहाँ हो गई। हाँ, वैली देखो ना, एक बार रुको दिखाती हूँ, देखना यार, ये सारा हम चढ़ के आए हैं। यार ये तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, देखो गाड़ी में भी आ रही है। ते तुम्हारे बालों पे स्नोफॉल है भाई। अरे तेज हो गई यार ऊपर, और तेज हो गई यार, पहुंच जाएंगे हम यार, सीरियसली कितनी तेज हो रही है। देखो उधर, इधर देखो क्या वेदर हो गया, ऊपर पूरा बारिश बारिश भाई साहब। देखा स्नोफॉल भी देख लिया हमने इस बार, अच्छा लग रही है ना। हमने सोचा कि एक बार आपको आपको भी स्नोफॉल दिखा देते हैं। देख रहे हो आप, देख रहे हो आप भाई, देख रहे हो आप, देखो शीशे में तो दिख रही होगी, रियल में नहीं दिखेगी, तो शीशे में दिख रही है भाई स्नोफॉल, तगड़ी वाली यार, तगड़ी वाली। अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल मिली है भाई, मजा आ गया। हार्डली 2 मिनट के लिए बाहर निकले थे हम लोग, और हमारी हालत खराब हो गई, इतनी ठंड लग रही थी, फ्रीज हो रहे हाथ। हाँ, और भाई अभी थोड़ा डिस्टेंस भी बचा है तो निकल गए हम लोग, लेकिन भाई स्नोफॉल देख के ना दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। जितना लग रहा था ना कि यार इस रास्ते में ये है, हम सोच रहे थे कि पुराने रास्ते से जाते वहां जल्दी पहुंच जाते, लेकिन यार स्नोफॉल देखने के लिए तो भाई मैं कहीं भी जा सकता हूँ, हम कहीं भी जा सकते हैं, मजा आ गया यार, मजा आ गया। That's why we say Ladakh is unpredictable. Totally. चलो स्नोफॉल के मजे भी लेते लेते सीधा चलते हैं हान लेके, और तुम थोड़ा लोगों को नजारा दिखाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अभी ऊपर भी है शायद, और हो रही है ऊपर तो, मुझे लगता है ज्यादा ही हो रही है। पीछे बाइकर सारे तो रुक गए होंगे शायद, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही होगी, उनके हेलमेट में वाइपर नहीं है ना, इसलिए आ रहे हैं वो देखो आ रहे हैं वहां से, और इनको तो और दिक्कत हो रही होगी, कितने स्लोली 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 आ रहे हैं, दिख भी रहे हैं लोग, लाइट दिख रही होगी अगर वीडियो में, तो आई डोंट नो। तो भाई हम लोग पहुंच गए देखो फोर्टीला पास, 18,124 फीट पे, यार ये भी काफी ऊपर है यार। और ये देखो कैसी स्नो पड़ रही है, आपको दिख रहा है डैशबोर्ड पे यार, ओले टाइप की स्नो है यार, ये देखो ये ओले है ये। तो भाई हम लोग पहुंच गए फोर्टीला पास, और भाई यहाँ पे स्नो नहीं पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, देखो देख रहे हो कितनी मोटी परत है। नहीं मोटी मोटी वाली पड़ रही है ना। चलो फोटो वोटो खींचते हैं फिर चलते हैं। चालू है सब सही है भाई, अभी क्या हुआ पता है, अपने मन से वीडियो बना रहे थे और पूरी पूरी एंडिंग कर दी, और पता चला फोन ऑफ हो गया, तो हम दोबारा बना रहे हैं। हाँ तो भाई हम लोग पहुंच गए थे हानले, और 4:30 बजे करीब पहुंच गए थे, उसके बाद पेट्रोल दो पॉइंट ही था, और 2 पॉइंट हम लोग नहीं पहुंच पाते, तो सबसे बड़ी गलती हमसे ये हो गई कि इस बार हम लोग पेट्रोल का टैंक लेके नहीं आए। आप ही गलती मत करना, लेके आना, क्योंकि भाई मैंने 10 लीटर डलवाया है, 1500 का डला, मतलब 150 रुपये पर लीटर, और यहाँ पे है 109 रुपये पर लीटर,
41 rupees पर लीटर एक्स्ट्रा गया, मतलब 410 rupees एक्स्ट्रा पे किए, सो बैगर्स के नॉट बी चूजर्स, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं था। अब क्या सीन है कि अभी हम निकल रहे हैं उपशी, यहाँ से लेकर उपशी तक की वीडियो वैसे भी नहीं बना पाएंगे, रात हो रही है और आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा ऑब्वियसली, उसी सेम रास्ते से जा रहे हैं। हाँ सेम रास्ता है, अच्छा रास्ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा 2-4-5 किलोमीटर का खराब है, बाकी सारा बढ़िया है। और बाकी हमारी हानले से उमलिंगला की वाया नुरगुला पास, और उमलिंगला पास से हानले अभी क्या था वो उमलिंगला से हानले वाया फोटिला पास, यस फोटिला टॉप, फोटिला टॉप वाली वीडियो आपने देख ली होगी भाई, स्नोफॉल मिली है भाई, इतना मजा आया ना, इतना मजा आया अनएक्सपेक्टेडली, उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग दिल्ली निकल जाएंगे क्योंकि भाई टाइम खत्म हो रहा है, तो बस यही प्लानिंग है। हॉलीडेज आर गेटिंग ओवर एंड वी हैव टू गो बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ एंड दिस इज This is not sounding very great, but that we do not have any choice. So इस वीडियो को मैं ये खत्म कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड और क्या करना होता है, हाई कमेंट भी कर देना, और क्या करना होता है, और प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगे हैं, आपने देखे होंगे लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी और संस्कार वाले इस पूरे उसमें हमारे एफर्ट्स लगे हैं, तो हम लोग आपको एक लाइक डिजर्व करते हैं। तो चलो गाइस अब यही खत्म कर रहे हैं, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, जो अगली वीडियो आएगी मोस्ट प्रोबेबली उपशी से जिसपा या उपशी से मनाली या कुल्लू, लेट्स सी, हाँ वो लेट्स सी, वो डिपेंड करते हैं हमारे ऊपर कि हम कितनी ड्राइव कर पाते हैं। तो बस गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय।